घमासान.com की खास पेशकश में हम आपको बताते हैं कि नारी एक माँ है, उसकी पूजा करो। नारी एक बहन है, उसे स्नेह दो। नारी एक पत्नी है, उसे प्रेम करो। नारी एक दीदी है, उसे सम्मान करो। उसी तर्ज पर हम आपको बताते हैं कि न्यूयॉर्क के अमेरिका में पहली बार 1908 को महिला दिवस मनाया गया था। उसके ठीक 2 साल बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आइए देखते हैं वहाँ की कुछ ताजा तस्वीरें। जब दुनिया बनी थी, एक रिश्ते में हर पग को रोशन करने वाली वही शक्ति है एक नारी। उसी तर्ज पर हम आपको बताते हैं कि इंदौर की महिलाओं का क्या कहना है, क्या वे इंदौर में सुरक्षित है या असुरक्षित है, आइए देखते हैं। तो आज जैसे कि वुमेंस डे है, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि सारी लड़कियों को जो है उनकी जो भी एबिलिटीज हैं उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दे कैन डू एनीथिंग एंड व्हाट एवर दे वांट, they should continue their efforts. आपको लगता है कि मैं महिला हूँ, सबसे ज़्यादा से कम मुझे प्राउड है कि मैं महिला हूँ? हाँ बिल्कुल प्राउड है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लड़कियाँ मल्टी टास्किंग होती हैं और आजकल भी हम जैसा देख रहे हैं वो पढ़ाई भी कर रही हैं और उतने अच्छे तरीके से घर भी संभाल रही हैं, तो वी आर बहुत आगे हैं हम लड़कों। बहुत से शिकाओं में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, तो आपका क्या कहना है? आई थिंक यही जो है ये जेंडर बायस है, कि हम जेंडर के हिसाब से काम जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर खाना बनाने का काम है तो लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा करेंगी, या हमने काम ऐसे सेपरेट कर दिया है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ जेंडर इनइक्वालिटी एंड जेंडर बायस। तो आई थिंक ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है खाना बनाने का काम लड़के बहुत, कोई लड़का बहुत अच्छा करे, या फिर अगर मैनेजमेंट है तो वो उसकी लड़की में ज़्यादा अच्छी हो, वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें मैनेज कर पाए। तो आई थिंक हमें जेंडर के बेसिस पे ये चीज़ें डिसाइड नहीं करनी चाहिए कि ये चीज़ लड़की अच्छे से करेगी या लड़का अच्छे से करेगा। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं तो वी आर एम्पावर्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जेंडर बायस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो शायद हम लड़कों के साथ ही गलत कर रहे हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए लड़कों और लड़कियों दोनों। जी, आज आप इंदौर में रहती हैं, तो आपको लगता है कि इंदौर एक सुरक्षित शहर है महिलाओं के लिए? हाँ जी, मुझे मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा अभी तक फिलहाल इंदौर में, और सफाई में तो है ही नंबर वन, एंड सिक्योरिटी के हिसाब से भी आई थिंक इट्स वेल एंड गुड। महिला पुरुषों से ज्यादा समझदार होती है, क्योंकि वह जानती कम और समझती ज्यादा है। उसी तर्ज पर रेलवे स्टेशन पर पूरे महिला स्टाफ ने बताया कि आज महिला दिवस के मौके पर क्या खास है, आइए देखते हैं कि रेलवे स्टेशन की स्टाफ महिला ने क्या कहा। इस बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि कुछ हद तक मिलता भी है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, मतलब जितना वो डिजर्व करती हैं। आज भी कहने के लिए कहते हैं कि वक्त बदल गया है, ज़माना बदल गया है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, और भी इसमें ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। अभी लोगों की सोच उतनी नहीं बदली है जितनी बदलनी चाहिए। इस महिला दिवस के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं महिला हूँ और मुझे लगता है कि ये एक दिन के लिए महिला दिवस नहीं होना चाहिए। एक दिन ही सब लोग आ रहे हैं, आपको विश कर रहे हैं कि हैप्पी वुमेंस डे, आज महिला दिवस है, इसलिए हमें सब रिस्पेक्ट करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, मतलब जितना रिस्पेक्ट कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। आज सुबह से मैं देख रही हूँ बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है, लेकिन ये डेली होना चाहिए, एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब वुमेंस एम्पावरमेंट जो है वो तो डेली है, वो तो रोज़ बदलती नहीं है। जो महिला है वो जो काम करती है वो डेली करती है, एक दिन के लिए नहीं करती है, तो फिर महिला दिवस भी डेली होना चाहिए, एक दिन नहीं होना चाहिए, मेरा इतना कहना है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर भगवान निवास करते हैं, क्या वाकई में आज के ज़माने में नारी की पूजा हो रही है? इतना न्यूज़ आप देख रहे हैं सर, डेली डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आता ही रहता है, जो हाइलाइट्स रहते हैं जी, हेडिंग्स रहती हैं, हेडलाइंस रहती हैं, उससे तो नहीं लगता है कि लोग महिलाओं को पूजनीय दृष्टि से देखते हैं। आज भी मतलब उतना नहीं है, होना चाहिए, हो भी रहा है सुधार, लेकिन
अब महिलाओं को उनसे कंधा कंधा मिला के नहीं चलती, उनसे आगे निकल चुकी हैं। तो काफ़ी आगे हैं महिलाएं, हर पुरुष से किसी भी उसमें कम नहीं है, बल्कि उनसे ज़्यादा ही है। घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, हर काम कर लेती हैं, किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। आप चाहे चांद पर जाने की बात करें, चाहे नीचे की बात करें, हर फील्ड में महिलाएं आगे ही हैं। तो क्योंकि महिलाएं देखिए हर तरह का एक अलग अलग वो निभाती हैं, ऑफिस में है तो ऑफिस के हिसाब से बिहेव करती है, घर में है तो सास के लिए अलग है, पति के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, रिलेटिव्स के लिए अलग है, फ्रेंड्स के लिए अलग है, वो बहुत तरह के रोल्स प्ले करती है। लेकिन उनका वजूद तो एक ही है, मतलब बेसिक नेचर तो उनका एक ही रहता है, तो वो 10 तरह के रोल निभा करके भी वो एक ही रहती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजन नगर रेलवे स्टेशन पर। मैम, सबसे पहले आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे जैसे आपने आज क्या क्या काम किया उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, आज 8 मार्च महिला दिवस राजन नगर स्टेशन पर मनाया जा रहा है जी। आज पूरा स्टेशन महिला कर्मचारी द्वारा संचालित किया जा रहा है। मैं नितिशा वर्मा स्टेशन अधीक्षक हूँ। मेरे साथ रिजर्वेशन बुकिंग, चेकिंग स्टाफ, RPF, GRP, अदर पूरा टोटल स्टाफ महिलाओं का है। काफ़ी मज़ा आ रहा है काम करने में सबके साथ, सभी का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। ये हमारे लिए बस गर्व और सम्मान की बात है कि इतना बढ़िया सबका साथ मिल रहा है। मैम, क्या सच में देश की महिलाओं को सम्मान मिल रहा है? आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सही मायने में तो अभी काफ़ी हम इस बात से बहुत दूर हैं, क्योंकि जिस सम्मान और जिस हक के महिला लायक है उसका 50% भी उसको नहीं मिल पाता। मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि महिला जिस सम्मान के लायक है उनका सम्मान कीजिए। मेरा मानना ये है कि आप उसकी पूजा भले ना करें, पर उसको जो उसका हक है उससे उससे दूर ना करें, उसका जो उसका सम्मान जो है उसका सम्मान उसका बनाए रखें। देवी देवता की वो अपने को देवी देवता नहीं बनना है, अब जिस जो इंसान है उनका उन्हीं का सम्मान करें। तो देखा आपने इंदौर की महिलाओं, रेलवे स्टाफ की महिलाओं का महिला दिवस पर क्या कहना है। उसी तर्ज पर ghamasan.com सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता है और ghamasan.com कुछ आप सभी महिलाओं के लिए 4 लाइन पेश करना चाहता है। क्यों करे नारी हर बात त्याग, जब जिद पर आ जाए नारी तो अबला से चंडी बन जाए, ना करो उन पर अत्याचार तभी सुखी रहेगा घर परिवार। ghamasan.com के साथ इस तरह की और भी रिपोर्ट्स के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।